जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि कल तक फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही थी कि किसी के साथ भी गठबंधन नहीं होगा। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को रातों रात ऐसा कौन सा डर आ गया कि वो एक दूसरे से हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस द्वारा घोषित गठबंधन से साफ पता चलता है कि इस गठबंधन में शामिल होने वाले राजनीतिक दल हार से डरे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भाजपा के डर से हाथ मिलाया, वो चाहे जितने भी गठबंधन कर ले उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। कल तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा दावा कर रही थी कि किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ और आखिर रातों रात ये क्या डर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस को ये डर पड़ गया कि वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को मजबूर हो गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन जिसका ऐलान इन्होंने किया है, ये साफ दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और इस अलायंस में, इस कोलेशन में, गठबंधन में जो जो राजनीतिक दल शामिल हुए हैं उनको हार का डर सता रहा है, उनको हार की चिंता सता रही है। इसीलिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में हाथ मिलाया है, वरना कल तक तो कांग्रेस पार्टी भी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बड़े जोर जोर से ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हार के डर के कारण कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया है।